जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, यहां पर इस बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों के एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो 20 तारीख से परीक्षाएँ होनी है उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, और साथ में आप लोगों को जो इंट्रेक्शंस दिए हैं उसको भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्या क्या आप लोगों को लेकर जाना है, क्या क्या अलाव है, क्या अलाव नहीं है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट इंट्रेक्शंस है उसको मैंसन किया हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से आप लोगों को पहला पॉइंट बोला है कि कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को लेकर जाना है। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ हो, जिसमें आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोगों का वोटर आईडी दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड। ठीक है, इनमें से कोई भी आप एक चीज़ लेकर जा सकते हैं। और अगर आपके जो ऑनलाइन फॉर्म में आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या कोई भी चीज़ मिसमैच है जो आप लोगों के आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है, तो फिर आप लोगों को जो है दूसरे पॉइंट में मेंशन किया है कि आप लोगों को 10th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। ठीक है, 10th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पर कोविड के बारे में बोला है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको आ जाना है सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर आप आ जाएंगे एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में, देख पा रहे हो यहाँ पर एडमिट कार्ड आप लोगों को दिया हुआ है। इस एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के रीजन वाइज जो एडमिट कार्ड के लिंक है वो अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, आपके अलग अलग जितने भी रीजन्स हैं उसके आपके अलग अलग यहाँ पर जो है लिंक आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने रीजन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका रीजन है। ठीक है, जैसे कि ईस्टर्न, कोलकाता, साउथर्न, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेस्टर्न, मध्य प्रदेश रीजन, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और नॉर्थर्न रीजन। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने रीजन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं इस रीजन पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने रीजन्स पर ही क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ तरीके से शो होगा, अगर आपके जितने भी रीजन सभी में अलग अलग जो है ऑप्शन जो है शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपके सामने जो है अगला जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये आप लोगों को यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद एक जो कैप्चा दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ये डालने के बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपका जो इंडक्शंस वाला जो पेज है वो यहाँ पर आप आ जाएगा, देख पा रहे होगे। और यहाँ पर आप लोगों को इसको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इस ओके पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें आप लोगों की अभी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे फॉर्म भी रिजेक्ट हुए हैं। जिस एप्लीकेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इनका अभी फॉर्म जो है रिजेक्ट बता रहा है, देख पा रहे होगे यहाँ पर एप्लीकेशन। ठीक है, सिग्नेचर टू स्मॉल, यहाँ पर रिजेक्शन का कारण भी आप लोगों को बता रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फोटो और सिग्नेचर काफ़ी ध्यान से आप फिलअप करेंगे, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीज़न दिया हुआ है, रिजेक्ट आपका जो रिजेक्शन का जो आपका रीज़न दिया हुआ है, वो यहाँ पर फोटो में जो आपकी फोटो के नीचे जो सिग्नेचर थी वो काफ़ी छोटी थी, इसलिए इनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आई डी, एप्लीकेशन, ठीक है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर दे देगा, रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम की सीटी यहाँ पर आप लोगों को बता देगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर बात करता हूँ तो अभी जो है तीन ही रीजन्स का आया है, एक दो दिन में आप लोगों को सभी रीजन्स के देखने को मिल जाएंगे, जितने भी आप लोगों के रीजन्स हैं सभी के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैं बात करूँ तो SR का आ गया है, ठीक है, SR रीजन का आ चुका है, वहीं अगर बात करें तो ER रीजन का भी आ चुका है और KKR रीजन का भी आ गया। ठीक है, और KKR के में प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको जो है अभी एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगी। सेम प्रोसेस है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। ठीक है, जैसे ही चार दिन पहले, ठीक है, चार दिन पहले लिंक एक्टिव होगा एडमिट कार्ड प्रिंट का, तो यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, आप अपने एडमिट कार्ड चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर आपने देख लिया है तो आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट करेंगे, ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।